मेरे साथ हैं इकरारुल हसन और आपके लिए लोगों की बहुत फरमाइशें आ रही थी कि जी इकरार कहाँ होते हैं, नजर नहीं आते किसी वीलॉग में, तो जरा मसरूफियत अपनी बताएं। मैं वीलॉग में तो बहुत नजर आ रहा हूँ, मैं आजकल बड़ा एक्टिव हूँ। नहीं, वो मेरे वीलॉग में। हाँ, जाहिर है रूटीन थोड़ी टफ थी रमजान में, एवरीवन नोस के वो रमजान ट्रांसमिशन, फिर टेलीथॉन्स और गला अभी तक जो है वो बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता वापस बहाली की तरफ जा रहा है, तो that is why जरा घर वालों के साथ टाइम कम गुजर रहा। बिल्कुल, और 19 टेलीथॉन्स थी जो कि बड़ा मुश्किल काम है, पूरी रात 1 से 5 बजे तक बोलना ईदी के लिए, इंडस के लिए, डिफरेंट जो अच्छी अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है जो काम कर रही है पाकिस्तान में, बरतानिया USA के लोगों को उनके काम के बारे में बताना और उनसे रिक्वेस्ट करना कि आगे बढ़े और मदद करें। अच्छा ये बताएं, इतनी एनर्जी इकट्ठी करना पूरे रमजान में और फिर उसके बाद भी काम करना कैसा महसूस होता है? रमज़ान मुझे लगता है अल्लाह ताला की एक ब्लेसिंग है हर शख्स के लिए, बट मेरे लिए इस तरह से कि मेरे लिए ना एक टारगेट होता है हर साल का, ख़ुद को रीऑर्गेनाइज करने का, अपने वेट को थोड़ा सा कंट्रोल करने का, अपनी लुक को थोड़ा सा बेहतर करने का, फिर एक नए से दोबारा से वही बेएहतियाती बेनियाजी यू नो माई टाइप वाला मामला, मगर रमज़ान की वजह से एक हर साल एक चेक आ जाता है और अब आपके तो पता है? की जात पे भी और आपके खाने पे भी और आपकी सोचों में भी, आपकी नेकी के तसव्वुर में भी, तो अल्हम्दुलिल्लाह एक इस तरह से भी एक नेमत है रमजान। आपको पता है मेरा वेट बहुत कम होता था और इकरार से बहुत कम था, और अब माशाल्लाह लोग जब साथ देखते कहते हैं भाई को कुछ खाने को तो दे दे, तो आप मुझे बदनाम करा रहे हैं। नहीं, खाने को मुझे मिलता है, लेकिन ये एक बात याद रखिए, मुझे मैं बाजी करूं तो बिल्कुल करें। ये याद रखिए कि कभी भी ना खा के वजन कम नहीं करना चाहिए, मैं आई ऑलवेज बिलीव, इकरार का हाथ रोकना मुश्किल होता है लिटरली। मुझे होता है कि आप खाएं, अच्छा खाएं, और उसके बाद फिर आप उस खाने को बर्न करें, कोई अच्छी हेल्दी एक्टिविटी हो जिसके अंदर कैलोरीज आपकी बर्न हो, तो आप फिट भी रहें और आपके जिस्म में किसी शय की कमी भी ना हो, मतलब जो कीटो वीटो टाइप आजकल चीजें चल रही हैं, तो I'm so against ये मुझे सुना रहे हैं, मैं ना बेवक्त खाती हूँ तो मुझे डांट रही होती है कोई खाने के टाइम में इसमें क्यों खा रही हो, तो ही इज वेरी कॉन्शियस माशाल्लाह। मुझे तो अब कोई शिकायतें नहीं है, इतने साल शादी के हो गए तो बाद में शिकायतें खत्म हो जाती है, इतनी शिकायतें खत्म नहीं होती, इम्यून हो जाती है, आदत पड़ जाती है। हाँ ये बात ठीक है, मुझे भी आदत पड़ गई है, तो फैंस भी शिकायत करते रहते हैं जवाब नहीं दे रहे या हम मैसेज कर रहे हैं, कुछ लोग मुझे भी कन्वे करते हैं, मैं आप सबके मैसेज पहुंचाती हूं, लेकिन इसका सवाल का जवाब आप बेहतर दे सकती हैं कि अगर मैं फैमिली के लोगों को रिस्पॉन्ड नहीं कर पाता हूं तो मेरे लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है, मतलब मैं अगर अभी भी दिखाऊं तो इस वक्त 10,000 मैसेजेस ऐसा है एक दिन में कल रात से अब तक, तो अब मैं उन 10,000 मैसेज को तो मैं रिप्लाई करना तो दूर अब पूरा देख भी नहीं सकता हूँ, क्योंकि इसलिए कि हर लम्हा कुछ करना है, अगले घंटे में कुछ करना है, ऐसा फ्री टाइम तो है नहीं कि 4-5 घंटे बैठ के आप पूरा व्हाट्सएप लिटरली। जब इकरार घर पे होते हैं ना तो हर सेकंड में इकरार का फोन बज रहा और है, ये बार बार और मैं बार बार कहती हूँ इकरार फोन आ रहा है, फोन आ रहा है, और वो अननोन नंबर्स होते हैं, और एक रिक्वेस्ट मैं आपके बिहाफ पे करती हूँ सब लोगों से, श्योर प्लीज, मैं ये कहना चाहूंगी कि रात के 3-4 बजे आप कॉल्स करते हैं लिटरली, वो बाजू का रिंगर ऑफ नहीं होता, तो ये मुझे लगता है लोगों की मोहब्बत भी है, लोगों की तवक्कात भी है, एकदम शुरू शुरू में रात 4 बजे फोन आता जा रहा, मैंने पता नहीं खुदा ना खास्ता क्या इमरजेंसी होगी, मैंने उठा लिया वो फोन, आई टोल्ड यू द स्टोरी, तो मैंने फोन उठाया तो किसी ने कहा जी मैं कोटली सत्या, मैंने दी क्या होगा, मैं नहीं मैसेज आया बड़ी अर्जेंसी है प्लीज पिक द कॉल, मैंने फोन उठा के उनके भाई मैं पता नहीं कोटली सत्या कहाँ से आजाद कश्मीर से बात कर रहा हूँ, मेरी ना 2 भैंसें चोरी हुई हैं, प्लीज टीम से आपको लेके फौरी तौर पर पहुंचे, तो मुझे गुस्सा नहीं आया उस पर, मुझे उस पर प्यार आया कि उसको लगता है कि हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन जो है वो टीम सरेआम या इकरार हसन के पास है, तो ये अल्लाह की अता भी है, लेकिन लोगों को थोड़ा सा केयरफुल होना चाहिए, व्हाट्सएप पे कोई काम नहीं कर सकता, अगर मुझे किसी ने वीडियो भेजी है इंपॉर्टेंट कि मैं डाउनलोड करके देख लूं या मैं किसी को मैसेज टाइप कर दूं, हो ही नहीं सकता, ठक 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 कॉल आ रही, फिर मैं वक्ती तौर पर उनको ब्लॉक करता हूं सो दैट मैं वो काम कर लूं। और ये अक्सर पूछते हैं ना कि इकरार की कौन सी आदत आपको अच्छी नहीं लगती, तो मैं बताऊँ पहले लगता था मुझे हर वक्त ये फोन में क्यों है, हर वक्त वापस आके भी टीम से बातें कर रहे हैं, लोगों को जवाब दे रहे हैं, लेकिन अब आई अंडरस्टैंड कि ये बहुत जरूरी है। अच्छा चले ये बड़ी हमने सीरियस बातें करी, ये बताएं कि मेरे हाथ का पका हुआ खाना क्या पसंद है?
इसलिए मुश्किल नहीं है कि कोई भी पसंद नहीं है, इसलिए मुश्किल है कि एक से ज्यादा पसंद है। एक वाइट कोरमा और अच्छा मैंने ट्राई नहीं किया अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि आपके दोस्त हैं। जी जी जी, ईदियां उन्होंने दी है, जबरदस्ती मुझसे ईदियां वसूल की गई है, मुझ पर बड़ा मैं शायद वो वीडियो कहीं लीक हो जाए, इसको रिकॉर्ड भी किया उन्होंने, छोड़ा नहीं, वही कह रहा हूं शायद वो वीडियो कहीं लीक हो गया, आ जाए लोगों के सामने, बिल्कुल लोगों को पता लगे कि मुझ पर क्या हुआ, मैं खुद भी दिखा दूंगी। और एक चिकन जल फ्रिजी जिसमें मुख्तलिफ वेजिटेबल्स होते हैं, आप नहीं खाते ना आप? हाँ, अब बहुत अच्छा इसकी रूटीन उस तरह से नहीं, अब हम रात का खाना ज्यादातर रेस्टोरेंट में खाते हैं। अच्छा, लोग ये भी कहते हैं कि आप टाइम नहीं साथ स्पेंड करते, ये नहीं होता, ऐसे कुछ नहीं होता, रेस्टोरेंट पे हम तकरीबन डेली साथ होते हैं, काम का काम और साथ भी होता है, और काम का स्ट्रेस होता है। आई थिंक वैसे आपस की बात है, अल्लाह ताला हम सबको खुश रखे, बाकी फैमिली मेंबर्स को भी, सबको। मेरा ख्याल है कि ये बहसीत कौम भी हमें ये आदत वैसे ही तर्क कर देनी चाहिए पूछने की कि किसी की पर्सनल लाइफ में क्या हो रहा है, until or unless they are happy, I think उनको अंदाजे तो लगाने होते हैं ना, अब हमारी वो उनकी मोहब्बत होती है, वो कंसर्न होते हैं, मगर वो ये कि फिर वो ना उस गलत फहमी ज्यादा पैदा होती है। हो सकता है मैं इनके साथ 18 घंटे दिन में गुजार रहा हूँ, लेकिन जब चार महीने पड़ेगा ना वो इकरार है कि हमने आपके साथ देखा ही नहीं है, तो दिल में ऐसी आ जाएगा कि यार पता नहीं ऐसा टाइम नहीं गुजार रहा, इस तरह से वो एक नेगेटिविटी। शुरू शुरू में मैं पढ़ के ना बड़ा डिसहार्ट होती थी, अभी भी कुछ ऐसे कॉम मैंने आपसे याद है डिस्कस किया था, तो जब हकीकत आपको पर्सनल लाइफ से थोड़ा सा एतराज करना चाहिए, कमेंट करने या सवाल पूछना, आहिस्ता आहिस्ता मुझे लगता है आहिस्ता आहिस्ता समझ आ जाएगी। तो मेरी ईदी तो इन्होंने गोल कर ली है, बिल्कुल भी नहीं नहीं है, ये भी रिकॉर्ड पे है, वो वीडियो भी अगर वो मैं दिखाऊंगी, बिल्कुल हम भी सारे सबूत साथ साथ, सरेआम की टीम का काम ही सबूत इकट्ठे करना। सरेआम से मुतालिक मैं बात करना चाह रही थी, लेकिन एक ऐसा इंसिडेंट हुआ जो आपके लिए कितना तकलीफ दे है मैं जानती हूँ, मैंने वो वक्त देखा है, कुछ सीखने को भी मिलता है ना जब आपका ऐसा एक्सपीरियंस होता है, तो एक स्ट्रेस तो था, लर्निंग क्या, एंड यू नो दैट स्ट्रेस कि मैं कितने से गुजर रहा था, ग़ालिबन आपका इशारा टीम वाले मामले में, बिल्कुल तो बड़ा अनफॉर्चुनेट था मुझे, मैं खुद को भी ब्लेम कर रहा था कि जाहिर है मेरी लीडरशिप में टीम लीडर को शायद कोई प्रॉब्लम है, मैंने तो हमेशा कोशिश की अच्छा सिखाने की, खुद अच्छा बनकर दिखाने की, ताकि एक अच्छी एग्जांपल हो टीम मेंबर्स के सामने, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पता चला कुछ अर्सा पहले हमारे प्रोड्यूसर और असिस्टेंट डायरेक्टर जो हैं वो कुछ दो नंबर कामों में मुलव्वस थे, पैसे वैसे उठाना और ये वो सारा, तो मेरे लिए बड़ा इमोशनल टाइम था, मैं अब मैं निकल गया उससे, लेकिन मैं विटनेस हूँ वो सारे जितना वक्त, तो खैर हमने उनके खिलाफ फिर सबूत इकट्ठे किए, अगर हम भी सरेआम की टीम में अल्लाह ताला की मेहरबानी से, अल्लाह ताला की अताफ से, जहाँ लोगों के खिलाफ सबूत रिकॉर्ड करते थे उनके खिलाफ भी सबूत रिकॉर्ड किए, उनके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज करवाए, और मैं कल बहुत डिसहार्टेड था जब चांद का ऐलान हुआ कि उनकी ईद जेल में गुजर रही है, बट दे डिजर्व इट, मेरी हमदर्दी अपनी जगह, कानून अपनी जगह, उसूल अपनी जगह, उसूल ये कहता है कि उनके खिलाफ प्रोग्राम होना चाहिए था, वो हमने ऑनलाइन किया, उसूल ये कहता है, अभी भी देखिए फोन पर जाए करके आता है, छोटा सा हम यहाँ पे ब्रेक ले लेते हैं, क्रांति आने तक, अच्छा अच्छा आ जाए, देख ले जरूरी फोन, ये चलता रहता है लिटरली, अगर घर पे भी हो ना तो जाहिर है काम इज वेरी इंपॉर्टेंट, और इकरार जो काम कर रहे हैं ना, मैं हमेशा ये बात कहती हूँ, आपने शायद कभी कहीं सुनी हो या नहीं सुनी हो, कि एज अ हस्बैंड तो मुझे आपसे कभी कोई बहस मुबासा कोई इतकरार या इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन एज अ ह्यूमन मैं समझती हूँ कि आप जो काम कर रहे हैं दैट इज़ लार्जर देन एनीथिंग, मुझे इसमें सबकी सपोर्ट आपको होनी चाहिए, जो कि कोशिश हमारी है, और मैं हमेशा ये कहता हूँ एंड एवरीवन नोज़ दैट कि ये इट इज़ बिकॉज ऑफ माई फैमिली, कि अगर मुझे मेरी फैमिली की तरफ से बर्डन हो, खाम खा की शिकायतें हों, हर वक्त का रोना धोना हो, हर वक्त की डिमांड्स हों, तो मैं फोकस ना कर सकूँ वो काम पे, तो आप सबका क्रेडिट है इसमें, मेरा कोई मैं नहीं समझता कि बहुत। अच्छा पहलाज का अभी आते हुए भी हम बात कर रहे थे YouTube के लिए, he's very much concerned, मैं ऑडियो नोटिस मुझे सुनवाया और वो मैंने क्लास से बोला, इट्स नॉट अबाउट YouTube, इट्स अबाउट वो अपनी हर चीज के बारे में सोचता है, उसको ठीक करना चाहता है, परफेक्शन चाहता है, यूं नहीं होना चाहिए, यूं होना चाहिए,
वो अल्हम्दुलिल्लाह एंड ही इज माशाल्लाह वेरी इंटेलिजेंट. मैं भी बाज़ुकात वीडियो, वैसे तो ज़ाहिर है जनरल बातें हम कर रहे होते हैं, वीडियोस देखती हूं तो मैं फिर माशाल्लाह 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 लास्ट वाली वीडियो पे भी कमेंटेड. तो आज सिर्फ ऐसे ही मैंने सोचा कि लोग इतना कह रहे हैं तो इंटरव्यू हम रिकॉर्ड कर लें, हालांकि अभी भी हम किसी जगह आए हुए हैं तो हमने सोचा कि आप चलो वॉकिंग का फायदा उठाया जाए. और ईद का दिन है, आप पता नहीं कब लगाएंगे आप, मगर जल्दी लगाएंगे ये गोल्डन शेरवानी. शेरवानी क्या चले बेस्ट जो है. आप ईद मुबारक कहते हैं, मैं भी ईद मुबारक. बहुत बहुत ईद मुबारक. और दुआ किया करें अल्लाह ताला हम सबको खुश रखे. परवरदिगार अगर कहीं कोई खामी कोताही है भी है मुझ में है तो उसको दूर करने की तौफीक दे. फरा में है, मतलब हम सबको परवरदिगार जिंदगी के फैसले जो हमने कर लिए अब हम एक साथ हैं और बस अब आपकी दुआएं होगी तो ये साथ अच्छा गुजर जाएगा. और अगर आपकी मनफियत रहेगी तो दिलों में कुछ बातें आती रहेंगी और वो वक्त थोड़ा सा बुरा गुजरेगा. तो अच्छा ये कि हम सारों के बारे में अच्छा सोचें, सारों को अच्छा करें, कहें सारों को अप्रिशिएट करें. और इससे देखिएगा आपकी अपनी जिंदगी में भी बहुत पॉजिटिव ऐसा ही होता है. और मैं यही कहूंगी कि जो अंदाजे आप लगा रहे होते हैं वो बिल्कुल भी सही नहीं होते. हर चीज को नहीं कर रहे होते ना. अब देखिए जब इकरार घर आते हैं काम खत्म करके तो लिटरली इतने थके हुए होते हैं. बिल्कुल ऐसा होता है कि बस अब जो है ना वो सो जाऊं या उस चेहरे पे वो नजर आ रहा होता है कोफ, तो मुझे मैं कोशिश करता हूं कंट्रोल रखने की कि दूसरे बंदे को बुरा नहीं लगे कि यानी क्या मूड बना. लेकिन वो काम का स्ट्रेस होता है डेफिनेटली. और फिर ये होता है कि जब एट टाइम्स ऐसा होता है कि मैं खाना लेके आई तो इकरार सो चुके हैं, मैं डिस्टर्ब नहीं करती. तो ऐसे वक्त में फिर वीडियो बनाना तो एक बिल्कुल इम्पॉसिबल सी बात है. तो आज मौका मिल गया, आज मौका मिल गया, फिर जब दोबारा मिलेगा तो इंशाल्लाह डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स करते रहेंगे. अब तो आपका अपना माशाल्लाह जबरदस्त चल रहा है ना यूट्यूब. मुझे लगता था कि जरूरत है वो, और अल्लाह ताला की जात जानती है लोग इस पे भी एतराज करते हैं करने वाले की लॉ जी अब आप भी सब्सक्राइब करेंगे तो ये करेंगे कहेंगे. भाई बात ये है कि वो एक प्लेटफॉर्म है जिससे लोगों तक आवाज़ पहुँचती है. हर शख्स ये चाहता है कि वो जो सोचता है या वो जो कहना चाहता है जो उसका मैसेज है वो लोगों तक पहुंचे. तो मेरे ख्याल में वो मेजर प्लेटफॉर्म था और वहाँ पे मेरी मौजूदगी होनी चाहिए थी, आज नहीं कल नहीं, ताकि मेरी रीच हो पाकिस्तान के बारे में जो मैं सोचता हूँ, अपने काम के बारे में जो मैं सोचता हूँ वो लोगों तक मैं बात पहुँचा सकूँ. अब बहुत सी चीज़ें आप टेलीविजन पर कर नहीं सकते ना, ये भी तो जी है. और ये मैं अनाउंस कर दूँ कि मेरी जिंदगी में जितने भी एक तो मेरी तनख्वाह का मैं बता चुका हूँ ऑलरेडी कि एक 50% के करीब हिस्सा जो है वो ऑलरेडी अल्लाह ताला के रास्ते में जाता है. और ये तरगीब देने के लिए नीयतों के हाल अल्लाह जानता है, ये आप मुझ पर और अल्लाह पर छोड़ दें, ये आप प्लीज़ डिसाइड मत कीजिएगा, ये आप दस्तर दरखास्त है. और ये यूट्यूब की आमदनी है, रेस्टोरेंट का मैं शेयर ऑलरेडी अनाउंस कर चुका हूँ, वो तो अलग बात है 1.5 साल से वो बेचारा चल नहीं पाया बिकॉज ऑफ लॉकडाउन सिचुएशन. हाँ मगर उसके बावजूद अल्हम्दुलिल्लाह रोजाना तकरीबन 1,000 लोग आज भी वहाँ से खाना खा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह. तो वो मैं उसको थोड़ी सी सपोर्ट जरूर कर रहा हूँ ताकि वो एक बार अपने पैरों पे खड़ा हो जाए और उसके बाद जो उसका मेरा हिस्सा है वो नहीं हमें आपकी सपोर्ट की जरूरत है. मैनेज करना आसान नहीं होता, मैं या बाकी फैमिली मेंबर्स से इकरार का होना बहुत जरूरी है. बिल्कुल, तो वो भी. और जब मैं अपने पेजेस पे डाल रहा हूँ तो यही सोच के थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग हो जाए और जब इसका प्रॉफिट आना शुरू हो जाए तो फिर वो एक अच्छे कॉज की तरफ चला जाए अल्हम्दुलिल्लाह. और वो हम बातें बताएंगे. हाँ इंशाल्लाह इंशाल्लाह. और एक कंपनी और भी हम बनाने जा रहे हैं दोस्तों के साथ मिलके, उसमें भी मेरी ख्वाहिश ये है. अभी रिसेंट टाइम्स में एक बड़ा गोल बन गया कि मैं पाकिस्तान की सबसे बड़ी सेल्फ सस्टेन्ड फाउंडेशन बनाऊं, जिसमें मेरी अपनी जाती आमदनी या मेरे कारोबारों की या यूट्यूब की या रेस्टोरेंट्स की या दूसरी कंपनी है उसकी सबकी इनकम उस फाउंडेशन में आए, किसी से एक रुपया ना हम लें और उस फाउंडेशन की मदद से हम लोगों की मदद करें. देखिए किसी से मांग के मदद करना इज फाइन, अच्छा है, मगर यार खुद मेहनत करो ना, जान लड़ाओ, पूरे 24 घंटे आपने लगाए हुए और मकसद ये हो कि इससे जो कुछ मिलेगा वो अल्लाह के बंदों का. और उसमें हम सब पूरी फैमिली इकरार का साथ देते हैं और पूरी कोशिश करते हैं कि इनको कंफर्ट मिले और कोई टेंशन नहीं हो. तो मेरे ख्याल अब इनको खुदाफिज़ कहें क्योंकि जहां आए हैं उनके साथ भी फिर से टाइम स्पेंड करना है. थैंक यू इकरार, थैंक यू वेरी मच आपके प्यार का मोहब्बत का. इसी के साथ फरा इकरार को, इकरार उल हसन को इजाजत दें. अगले व्लॉग में फिर मुलाकात होगी. अल्लाह हाफिज़.